प्रदेश भर में हनुमान जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही घरों और मंदिरों में श्रद्धालु हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं। शहर के झोटवाड़ा इलाके में गोविंदपुरा हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रामचरण बोहरा, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने जयपुर स्थित खोले के हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी ऐसे राम भक्त हुए हैं जो बुद्धिमान, चरित्रवान, अखंड ब्रह्मचारी और ये कहना चाहिए कि वायु वेग से उड़ने वाले, चलने वाले ऐसे हनुमान जी हुए हैं और जिन्होंने राम भक्ति में प्रवीणता हासिल की। मैं इस अवसर पर हनुमान जी के गुणों को आत्मसात करने की आज के युवकों को आवश्यकता है कि हनुमान जी की तरह बुद्धिमान बने, बलवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने। हनुमंत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल सायंकाल जैसे भक्ति संगीत का बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ रहा। आज सुबह हनुमंत जन्मोत्सव के तहत सुबह 3:30 बजे श्री हनुमान जी महाराज को विभिन्न पवित्र जलों से, तीर्थों से लाए हुए जल के स्नान करा करके उसके बाद में 108 विभिन्न औषधियों के साथ में स्नान कराया गया है। सुबह से ही 4 बजे से भक्तों को आना और दर्शन करना, दर्शन लाभ सारे भक्त कर रहे हैं। मंदिर की तरफ से सब भक्तों के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं।